उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज कई बड़े कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े, जिसमें कई करोड़ रुपए बरामद हुए। अब तक की अगर बात करें तो 96 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है, लेकिन ये अमाउंट अभी और भी आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पुराने नोट की हवस और उसकी प्यास आज भी लोगों के अंदर बरकरार है, क्योंकि नोट बंद होने के बावजूद भी अपने पास पुराने नोट इतनी बड़ी तादाद में रखना, ये कई कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं रखे थे। ये कोई ऐसा वैसा बेड नहीं है, ये नोटों का बेड है। जी हाँ, ये करोड़ों का बेड है, लेकिन बेड में लगे सभी नोट नए नहीं, पुराने हैं। एनआईए और पुलिस ने कानपुर में काले धन के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 2 होटल और एक बड़े बिल्डर के ऑफिस और घर में की गई छापेमारी में करीब 96 करोड़ का काला धन बरामद किया गया। ये घर यहाँ के एक नामी बिल्डर का है। नोट 2 से 3 कमरों में बिस्तर की तरह रखे हुए थे। इस मामले में तार हैदराबाद, केरल, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ये सभी 500 और 1000 के पुराने नोट हैं। आईजी क्राइम ब्रांच, एसपी वेस्ट, एसपी पूर्वी और आयकर विभाग की टीमें देर रात तक कार्रवाई को अंजाम देती रही। पुलिस ने इस संबंध में कुछ बड़े कारोबारियों समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें से 1 हैदराबाद और 2 पूर्वांचल के मनी चेंजर बताए जा रहे हैं। इन नोटों की गिनती होने के बाद भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। स्वरूप नगर स्थित बिल्डर के घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। बिल्डर और उसके भाइयों से पूछताछ भी की गई। पुलिस और आयकर विभाग की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद धन कैसे और कहां ठिकाने लगाया गया। जांच में जुटी टीम को ये आशंका है कि नोटों की इस बड़ी खेप को हवाला के जरिए और अन्य माध्यमों से औने पौने दामों में बदलने की योजना थी।